हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये मैक्रम वॉल हैंगिंग की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, कितना सिंपल और इजी डिज़ाइन है और इसको बनाने में बहुत ही कम मैक्रम की ज़रूरत होती है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है एक 10 इंच का रिंग और 14 ग्रीन कलर की कॉर्ड, और जो कि मैंने 1.5 मीटर में कट कर दिया है। अभी एक एक करके हम कॉर्ड्स को इस तरीके से फोल्ड करके और ये जो रिंग है इसमें अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने 14 कॉर्ड्स को अटैच कर दिया है। अभी हमें अब लेना है एक एक्स्ट्रा कॉर्ड और इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा अटैच करेंगे इस तरीके से रिंग में। एक बार ऊपर की तरफ से और एक बार नीचे की तरफ से हम कॉर्ड को अटैच कर देंगे ताकि ऐसे वन करके जो नॉट है वो बन पाए। तो ऐसे ही वन टाइम मैंने कर दिया है, अभी और एक बार हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए दोनों टाइम होने के बाद अब मैं एक कॉर्ड के कॉर्ड को बीच में रखते हुए मैं यहाँ पे भी डिज़ाइन बनाऊँ। तो हम इसलिए ये डिज़ाइन बना रहे हैं ताकि मैंने जो एक्स्ट्रा कॉर्ड यहाँ पे अटैच कर दिया है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे अटैच हो सके। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम कर दिया है। 2 टाइम के बाद इसके ऊपर की तरफ से हमें कॉर्ड्स को जो है वो निकालना होगा और टाइटली हमें कॉर्ड को खींचते हुए और फिर नीचे की तरफ से हमें दे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 टाइम फिर से यहाँ पे हो गया है। इसी तरीके से हम बनाएंगे। फाइव टाइम हो गया है। फिर हम इस कॉर्ड के ऊपर से जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हर एक गैप में हमें 5 करके ये जो डिज़ाइन है वो बनाना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हर एक गैप में मैंने 5 टाइम करके रख दिया है नॉट, और यहाँ पे लास्ट में जो कॉर्ड है वो हम लाइटर की मदद से और स्टिक कर देंगे इस साइड पे भी जहां से मैंने स्टार्ट किया था। अब हमें चाहिए मल्टी कलर का बीड्स। आप कोई भी बीड्स यूज कर सकते हैं, तो ये भी मैं यूज करूंगी। और मेरे पास कुछ रोज टाइप का बीड्स है, वो भी मैं यूज करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें दोनों जो कॉर्ड है दोनों साइड का, उसमें से 2 बीच का 2 लेना है, और ये बीच का जो 2 कॉर्ड है लेफ्ट का 1 छोड़ के, और यहाँ पे हम 1 बीट्स का अटैच कर देंगे। इस तरीके से अब फिर से ये जो कॉर्ड है और राइट साइड का 1 लेके फिर से हमें ये जो 2 कॉर्ड है उसके बीच में 1 बीट्स अटैच करना है।
और फिर इसी तरीके से हमें वन राउंड जो है कंप्लीट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, वन राउंड जो है वो कंप्लीट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कुछ जो बीड्स है वो नीचे आ रहा है, तो इसको हमें सिक्योर करने के लिए, ताकि ये नीचे ना, एक करके हमें इस तरीके से दोनों कॉर्ड में नॉट यहाँ पे बनाना है, और यहाँ पे जो नॉट मैंने बनाया है उसके अंदर से बीड्स को डाल देना है, तब ये जो बीड्स है वो नीचे नहीं आएगा। तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे भी बना दिया है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो बीड्स है वो नीचे आ रहा है, वहाँ पे आप इस तरीके से नॉट जो है वो हमें बनाना होगा, और कॉर्ड्स के अंदर से बीड्स को इस तरीके से हमें डाल देना है, इसको सिक्योर करने के लिए। तो हर एक बीड्स के नीचे मैंने नॉट बना दिया है, ये अभी नीचे नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसी तरीके से हम एक और राउंड में बीड्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने एक कॉर्ड को छोड़ दिया था, अभी एक कॉर्ड को अटैच करके और हमें बीड्स अटैच करना होगा। तो यहाँ पे अटैच हो गया है। अभी नेक्स्ट जो टू कॉर्ड है उसके बीच में मैंने कर दिया है पिंक कलर का बीज। तो इसी तरीके से हमें टू करके लेके और नेक्स्ट का जो लाइन है फ्रेंड्स वो भी कंप्लीट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड लाइन जो है वो भी मैंने बना दिया है। अभी मैं थर्ड लाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से मैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉर्ड को छोड़ दूंगी, और राइट साइड से भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉर्ड को छोड़ के बाकी जो कॉर्ड है उसमें मैं अटैच करूंगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिंग है वो बराबर यहाँ तक आ गया है, और ये ऊपर का जो रिंग है ये गैप जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे गैप बहुत कम है। तो हम यहाँ पे जो है और बीड्स अटैच नहीं करेंगे, और यहाँ पे जैसे गैप ज़्यादा है तो सिर्फ यही तक हम बीड्स का अटैच करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस साइड से 5 और इस साइड से 5, टोटल 10 कॉर्ड को छोड़ के हमें बीड्स का अटैच करना होगा। तो 5 करके कॉर्ड को छोड़ दिया है मैंने, और यहाँ पे थर्ड लाइन भी कंप्लीट है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1, 2 और 3 टोटल यहाँ पे 6 कॉर्ड का यूज़ करके नया डिज़ाइन बनाऊंगी। जैसे हम चोटी बनाते हैं बालों में, वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, 6 कॉर्ड को लेके हमें टाइटली इस तरीके से डिजाइन को बनाना होगा। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बहुत सिंपल है और इजीली बन भी जाता है। इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट फिर से 6 कॉर्ड लेंगे। लास्ट में 7 कॉर्ड बाकी है, तो हम एक में 3 लेंगे और 2-2 करके लेके डिज़ाइन को बनाएंगे। देखिए फिर इसी तरीके से हो जाने के बाद अभी हम सब कॉर्ड को लेके यहाँ पे जो 2 डिज़ाइन था हम एक साथ करेंगे, और मिडिल का जो है वो एक होगा और राइट साइड का एक। तो यहाँ पे 3 बना के फिर हमें चोटी जैसा डिज़ाइन जो है वो बनाना होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, एक एक कॉर्ड को हमें ये जो रिंग है उसमें अटैच करना होगा। तो एक एक कॉर्ड को लेके हम इस रिंग में इस तरीके से अटैच करेंगे।
यहाँ पे जो सारा कॉर्ड्स है हम नीचे से ले लेंगे, तब हमें ज़्यादा आसानी होगी डिज़ाइन को बनाने में। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके कॉर्ड लेके और हमें यहाँ पे अटैच करना होगा। तो देखिए फिर इसी तरीके से एक एक करके जो कॉर्ड्स है उसको मैंने अटैच कर दिया है। अभी हम इसमें नीचे बेल्स का अटैच करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा कॉर्ड है तो बीच में से हम एक एक करके जो कॉर्ड है उसको कट करेंगे। इस तरीके से हम बीच में से एक एक करके कॉर्ड्स को कट कर देंगे। एक एक कॉर्ड्स को मैंने कट कर दिया है। अभी हमें पीछे से स्टिक और फिर जो बाकी कॉर्ड्स है उसमें हम बेल्स का अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें वी शेप में बेल्स का अटैच करना होगा। देखिए फिर एक करके कॉर्ड्स को हम कट करेंगे और इस तरीके से बेल्स का अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्स भी अटैच कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गैप वन करके नॉट का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे मैं कॉर्ड्स को अटैच करूँगी। तो नीचे जो मैंने कॉर्ड्स को कट कर दिया था वही सब कॉर्ड जो है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो छोटा करके कॉर्ड्स है उस कॉर्ड को हमें यहाँ पे जो गैप है उसके अंदर से निकाल देना होगा एक एक करके। तरीके से हम कॉर्ड्स को निकालेंगे। एक कॉर्ड्स हमें उतना लंबा नहीं चाहिए, छोटा वाला जो कॉर्ड्स है उसी से ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सब जो गैप है उस गैप में हम कॉर्ड्स को अटैच कर देंगे एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, जो कॉर्ड है मैं अटैच कर रही हूँ उसके नीचे एक हमें ऐसे करके नॉट लगाना है और यहाँ पे टाइटली ऐसे खींच लेना होगा। यहाँ पे जो टू कॉर्ड है उसको हमें कॉर्ड को जो है नीचे का जो कॉर्ड है उसको इस तरीके से नॉट बना के और इस तरीके से खींच लेना होगा ताकि यहाँ पे एक एक करके कॉर्ड यहाँ पे आ जाए और हम डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, हर एक में मैंने नॉट जो है वो बना दिया है। अभी देखिए फिर यहाँ पे जो गैप है जहाँ पे मैंने कॉर्ड्स को अटैच कर दिया था यहाँ पे एक गैप है तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा कॉर्ड का अटैच करेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैं अटैच कर रही थी यहाँ पे हमें दोनों ही कॉर्ड को जो है अटैच करना होगा। और हम कॉर्ड को जो है इस तरीके से गैप बना के इस तरीके से अटैच करेंगे ताकि दो कॉर्ड को हम यूज़ कर पाए। और यहाँ पे फिर से एक एक करके कॉर्ड को पूरा कवर कर देना होगा। देखिए फिर चारों तरफ रिंग का मैंने एक एक करके कॉर्ड को अटैच कर दिया है। अभी हमें लेना है एक्स्ट्रा कॉर्ड जो यहाँ पे मैंने ले लिया है येलो कलर की कॉर्ड। और यहाँ पे जो लास्ट का कॉर्ड है यहाँ पे हमें पहले येलो कॉर्ड को अटैच करना होगा। देखिए इस तरीके से हम टाइटली करके कॉर्ड्स को अटैच करेंगे। ग्रीन कॉर्ड के ऊपर हम येलो कॉर्ड से इस तरीके से पाइपिंग करेंगे।
तकलीफ है, ऐसे ही हमें एक एक कॉर्ड लेना है और येलो कॉर्ड के साथ पाइप इन करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक लास्ट तक मैंने इसको बना दिया है। अभी हमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है जिसमें मैंने अटैच कर दिया है, वहाँ पे हमें एक करके इस तरीके से नॉट लगाना होगा टाइटली, कॉर्ड्स को खींचते हुए एक एक करके हमें इस तरीके से नॉट बनाना है। और एक्स्ट्रा जो कॉर्ड आएगा वो हमें कट करना होगा और लाइटर से हम उसको स्टिक भी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम यहाँ पे सिर्फ नॉट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ मैंने ऐसा ही बना दिया है। मिडिल में सिर्फ मैंने टू कॉर्ड को रख दिया है, ये जो डिज़ाइन है ट्री है उसको हैंग करने के लिए। तो ये जो टू कॉर्ड है फ्रेंड्स, उसको मैं एक दूसरे के साथ अटैच कर दूंगी वॉल में इसको हैंग करने के लिए, इस तरीके से हमें अच्छे से राउंड शेप में घुमा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल मैक्रम ट्री वॉल हैंगिंग डिज़ाइन बनके तैयार है। बहुत सिंपल एंड इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।